उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के कलियों की बाप ने अपनी ही 7 वर्षीय पुत्री की बेरहमी से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। मासूम हेलेना उर्फ अब्बू का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी माँ को याद कर रो रही थी, जो कि अपने नशेड़ी पति से तंग आकर मासूम हेलेना को जालिम पति के पास छोड़कर घर से कहीं चली गई थी। आपको बता दें कि मासूम की धारदार हथियार से गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव पर नमक का लेप लगाकर बड़ी ही चालाकी से रजाई में लपेटकर शव को जंगल के एक प्लाट में बने कमरे में छुपा दिया। बीते सोमवार की शाम विक्टर के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पड़ोसी विक्टर ने शायद अपनी छोटी बेटी, पड़ोसी ने बताया कि बीते दिनों विक्टर की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। अपने 3 बच्चों को विक्टर डेनियल थॉमस व उसकी दूसरी पत्नी माही डेनियल के पास छोड़कर, सूत्रों से जानकारी हुई है कि विक्टर थॉमस व उसकी दूसरी पत्नी माही ने शिवानी की पुत्री हेलेना और फब्बू उम्र करीब 7 वर्ष को गुस्से में हत्या कर शव कहीं छुपा दिया है। सूचना मिलते ही रायपुर पुलिस ने आनन फानन में एक टीम तैयार कर डेनियल थॉमस के घर दबिश दे विक्टर और उसकी पत्नी माही को गिरफ्तार कर लिया। विक्टर से पूछताछ करने पर जो सच सामने आया उसे सुनकर पुलिस टीम भी हैरान रह गई। कोई इंसान कैसे अपनी 7 वर्षीय पुत्री को इतनी बहरहमी से कत्ल कर सकता है? मासूम हेलेना का शव पुलिस ने विक्टर के निशानदेही पर बुरी तरह गली अवस्था में कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो घटना थी, ये कल पुलिस को सूचना मिली थी कि जो विक्टर डेनियल है उसकी पत्नी कोई कई दिनों से गायब है, नहीं है घर पे, और इसके अलावा जो उसकी मझली बेटी है हेलेना वो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जो मोहल्ले के लोगों ने ये पुलिस को सूचना दी कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ कोई हादसा हो गया है। इसमें पुलिस ने विक्टर डेनियल को बुलाया, जब पूछताछ की तो मालूम चला कि पत्नी तो नाराज होकर के कहीं चली गई थी, लेकिन जो बच्ची है उस बच्ची का कत्ल हो गया है। और फिर मुलजिम की निशानदेही पे जो बच्ची का शव बरामद किया गया, हेलेना जो उसकी उम्र 7 वर्ष थी उसका शव बरामद हुआ है।